नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, ओरिजिन ऑफ मानसून, मानसून की उत्पत्ति। द टर्म मानसून हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम मीनिंग सीजन। दस द मानसून आर सीजनल विंड्स विच कंप्लीटली चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो with the change of season. They flow from sea to land during the summer and from land to sea during the winter. मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के, मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। अतः मानसून पवने वो पवने हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है, चेंज हो जाती है। ये पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती है तथा शीत ऋतु के 6 माह तक स्थल से समुद्र की ओर चलती है। उल्फ ने कहा है, मौसम के अनुसार क्रम परिवर्तन करने वाली पवने मानसूनी पवने कहलाती है। मानसूनी पवने कौन सी पवने होती है? जो अपने क्रम में परिवर्तन कर लेती है। तो मानसून से आशय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार बहने वाली पवनों की दिशा उलट जाती है। चेंज ऑफ सीजन हो गया और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स हो गया। सिम्पसन ने कहा है, मानसूनी पवने वास्तव में व्यापारिक एवं पछुए हवाओं के उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरण से उत्पन्न वायु की धाराएं। थ्योरीज रिगार्डिंग मानसून। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत में बहुत से सिद्धांत हैं। तो उत्पत्ति के सिद्धांत को हम 2 भागों में बांटा गया है इसको। पहला है प्राचीन अवधारणा, चिरसम्मत विचारधारा, ये जिसको हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है मॉडर्न थ्योरी या आधुनिक विचारधारा। द क्लासिकल थ्योरी, द क्लासिकल थ्योरी या प्राचीन अवधारणा। 1986 के अंदर एडमंड हैली, 1986 के अंदर एडमंड हैली ने बताया कि मानसून की जो उत्पत्ति है वो महाद्वीपीय महासागरों के तापीय अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है। तो 1986 में एडमंड हैली ने बताया कि मानसून की उत्पत्ति महाद्वीप एवं महासागरों के तापीय अंतर के कारण होती है, इसलिए इसे तापीय सिद्धांत या थर्मल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। 2 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। समर सीजन, ग्रीष्मकालीन मानसून, और दूसरा है विंटर सीजन, शीतकालीन मानसून। इस डायग्राम के अनुसार हम देख सकते हैं, पहला हम लेते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून, समर मानसून। ग्रीष्मकाल में सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जिस कारण मध्य एशिया पर उच्च ताप होता है। मध्य एशिया पे तापमान उच्च होता है एवं निम्न वायु दाब पाया जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, विलोम संबंध है। तो यहाँ पर मध्य एशिया पे उच्च तापमान है, गर्मी ज्यादा होती है, तापमान उच्च रहता है गर्मियों के अंदर ग्रीष्मकाल पे, तो क्या पाया जाएगा? निम्न वायु दाब, लो प्रेशर पाया जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर पाया जा रहा है। जिसके विपरीत, ये नीचे अरेबियन सागर है, जिसके विपरीत अरेबियन सागर या बंगाल की खाड़ी में निम्न ताप ऊपर के कंपैरिजन है, एशिया के कंपैरिजन में जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है जो इंडियन ओशन है, वहां पर तापमान कैसा पाया जाता है? निम्न पाया जाता है। तो वायुदाब क्या हो जाएगा? वायुदाब
उच्च वायुदाब पाया जाएगा, हाई प्रेशर पाया जाएगा, जिस कारण हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है एवं भारत एवं सीमावर्ती देश में वर्षा करती है। जैसे हम जानते हैं हवाएं आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो ग्रीष्मकालीन में जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। बिल्कुल ठीक इसके विपरीत स्थिति हो जाती है शीतकालीन मानसून के अंदर। अब शीतकालीन मानसून के अंदर क्या हो जाता है? शीतकाल में सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में तापमान निम्न होता है एवं वायुदाब उच्च होता है। अब उच्च वायुदाब हो गया, कंडीशन बिल्कुल बदल गई। इसके विपरीत अरब सागर, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में और इंडियन ओशन में जो तापमान है निम्न हो जाता है। इसके विपरीत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तापमान उच्च हो जाता है, तापमान उच्च हो जाता है और प्रेशर वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। लो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और ऊपर हाई प्रेशर है, जिस कारण हवाएं क्या होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवाएं चलेंगी। तो ये जो पवने हैं, ये पवने कहाँ से आ रही है? स्थल से समुद्र की ओर आ रही है, जिस कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो हमने देखा कि इसके अंदर बिल्कुल इनकी दिशाएं बदल गई। यहाँ पर हम समुद्र से स्थल की ओर जा रहे थे और यहाँ हम स्थल से समुद्र की ओर आ रहे हैं। तो मानसून पवनों की दिशा उलट जाती है, बदल जाती है। हेली का सिद्धांत स्थल समीर ओम जल समीर का ही विस्तृत रूप है। दूसरा आ जाता हमारी आधुनिक विचारधारा। पिछले 4-5 दशकों में विदेशी वैज्ञानिक फ्लोएन, थॉमसन, फ्रॉस्ट, सी न्यूटन तथा भारतीय जलवायु वैज्ञानिक पी कोटेश्वरम कृष्णन, रमन, रामानाथन, कृष्णमूर्ति आदि ने मानसून पवनों की उत्पत्ति का सही कारण ढूंढने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन विद्वानों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वायु राशि विचारधारा, एयर मास थ्योरी, और दूसरा जेट प्रवाह थ्योरी। हम पहले पे आ जाते हैं, एयर मास थ्योरी, वायु राशि विचारधारा। इनके अनुसार मानसून की उत्पत्ति का संबंध अंतर उष्ण कटिबंधी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यहाँ आपको दिख रहा अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसे हम बोलते हैं ITCZ से जोड़ा गया है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पर उत्तरी तथा दक्षिणी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल को, भूमध्य रेखीय, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पर उत्तरी, उत्तर की ओर से आ रही है, तथा दक्षिणी व्यापारिक पवन, उत्तर से आ रही उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और दक्षिणी आ रही है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल को। दोनों पवने जहाँ पे मिल रही है, उत्तर से आने वाली पवने, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिण से आने वाली व्यापारिक पवने, दोनों पवने के मिलन स्थल को ITCZ और ITC कहते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये ऋतु के अनुसार अपनी स्थिति बदलता रहता है। ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो ऋतु के अनुसार, चेंज ऑफ सीजन के अनुसार अपनी स्थिति बदल लेता है। ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो ITC उत्तर की ओर खिसक जाती है। इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, जब ITC ऊपर की ओर खिसक गई तो इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, पहले पवने भूमध्य रेखा को पार करके, भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन उत्तर की ओर खिसक गया, तो जो व्यापारिक पवने हैं वो भी भूमध्य रेखा को पार करके
उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है और फेरल्स के नियम के अनुसार यह पृथ्वी की घूर्णन शक्ति कोरोलेसिस फोर्स के प्रभावाधीन अपनी दाएं ओर मुड़ जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाएं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरल्स का नियम है ये कोरोलेसिस फोर्स के कारण। तो प्रभावाधीन अपनी दाएं ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व में चलने लग जाती है ये पवने। ग्रीष्म ऋतु में आईटीसी भारत के उत्तरी मैदान में स्थित होती है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से चलना शुरू करती है। आईटीसी को कभी कभी मानसून गर्त, ये हम कह सकते हैं मानसून ट्रफ भी कहते हैं। अब इसके अंदर देखा हमने कि ये आपके उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, ये यहाँ पे आपके दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। जब ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने इक्वेटर को भूमध्य रेखा को क्रॉस कर देती हैं, अभी ये दक्षिण पूर्वी हैं, जब ये भूमध्य रेखा को क्रॉस कर देती हैं उनके ऊपर से गुजर जाती हैं तो फेरल्स नियम के अनुसार ये दाईं ओर मुड़ जाएगी और इनकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिणी पश्चिमी। इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिणी पश्चिमी, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है। और जिस सीमा पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने और उत्तर पूर्व की व्यापारिक पवने से मिलती है उसे हम कहते हैं मानसून सीमा, मानसून ट्रफ। 1951 में फ्लोइन ने मानसून पवनों की उत्पत्ति वायुदाब एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण से होती है। इसकी इस संकल्प को गतिक संरचना डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहा गया है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवने उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी आकर मिलती है। भूमध्य क्षेत्रों में दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवने उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी आकर मिलती है तथा ऊपर उठती है, जिस कारण ये क्षेत्र निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। यहाँ पवने मंद गति से चलती है और इतनी मंद गति से चलती है कि इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस क्षेत्र में चलने वाली पवनों को, भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, इस एरिया में चलने वाली पवनों को भूमध्य रेखीय पछुआ पवने इक्विटोरियल वेस्टर्लीज कहते हैं, जो इक्वेटर के पास में चलती है। भूमध्य पछुआ पवने इक्विटोरियल वेस्टर्लीज कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित न्यून वायुदाब की पेटी में चलती है। इसको आईटीसी अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण कहते हैं। जुलाई में आईटीसी उत्तर की ओर खिसक जाता है और उत्तरी नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहलाता है। यह अभिसरण उत्तर की ओर खिसक कर महाद्वीप के भीतरी भाग तक पहुंच जाता है। अभिसरण के साथ साथ भूमध्य रेखाएं पश्चिमी पवने भी उत्तर की ओर खिसक जाती है और सागरीय पवनों के रूप में चलने लगती है भारत तथा अन्य निकटवर्ती देशों में यही दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप धारण करती है। फ्लोइन महोदय के अनुसार भारत में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने भूमध्य रेखा पछुआ पवने हैं, न कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं। फ्लोइन महोदय कहते हैं कि जो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने हैं वो भूमध्य रेखा पछुआ पवने हैं, जो इक्वेटोर के पास में चल रही है, न कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। ये फ्लोइन का मत है। थैंक यू।